दोस्तों ये अम्मा है हमारी, इसका इनका आशीर्वाद आज हमें मिल गया। ये इस बालक की ये इतनी बड़ी खुशी मिली, जिस माँ का पैदा हुआ है वो सदा खुशी रह रही, मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहे। देवता छत्री इसे लहना ही दिए, इसका नाम ना डबो ये प्रभु, ये मेरा गलत है, अब मैं तुझे मरण नहीं दिया, बस ये मेरे से चाहे गलती हो चाहे कैसे भी हो, मैं तेरे दर्शन हमेशा ये चाहूँ कि अपनी जेवड़ी किसी को ऐसा ना दिखाइए जो कोई डर जा। तो देखो भाइयों, ये माँ जी हैं, इन्होंने एक नाग की जान बचाई, एक ऐसे जीव की जान बचाई जो इनके घर का ये समझो कभी ना कभी सदस्य होगा, और कितना बड़ा काम इन्होंने किया है, ये बहुत पुण्य का काम है। तो दोस्तों आप शिक्षा लें इनसे कि ऐसे ही बनो, दयालु बनो, कभी किसी को सताओ मत, कभी किसी को मारो मत। बाहर निकलता और बाहर निकल के जब खेत में कोई नहीं रहता, अभी घर में सदस्य हो लोग अपने देवता के दर्शन कर ले तो आ जाओ फटाफट। एक खंडिया है यहां पे, ये नहीं गले कोने पे नहीं देखा नहीं गए, ये पूरा छोड़ दे, और दिल भी इसका भारी है बेचारा, कहो देखो फिर भी जी रहा है, बस ये दुआई लगी कि जो रात दिन नो हाथ जोड़ उठी मगा मारा खेत मार लग रे। आओ भाई बाबा आओ, ये तुम्हारा परिवार देखो, ऊपर भी देख रहा होगा तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है, वो देखो ऊपर देखो, वहां देख रहे हैं, अरे आज वो दूध पीना है, इसका पहले भी चोट लगी, पहली वाली चोट इसके ठीक होगी, हाँ सही कह रहे हैं, हाँ और अब जाइयो, ये देखो इसका दिल है, दिल है, हाँ बाहर आ रहा है, बाहर है, अजय दूध पीना है, अम्मा इधर आओ, देखो ये दूध है, अम्मा तुम्हें दूध पिलाना चाह रही है, खूब पियोगे या नहीं, आप पी लो, बहुत इच्छा तो है, मेरी इच्छा है पर तो आपके दर्शन तो हुए, पर कुछ खा कर जाइयो महाराज, जब जहाँ जाओगे वफादारी करियो और इस परिवार को सुख शांति तरह तू भी रख, देखो रे लो पियोगे, लो दूध है देखो दोस्तों, आज ये नाग जो है दूध पी रहा है, ये देखेगा अम्मा की मनोकामना पूर्ण होगी, चलिए मुख लो पियो, थोड़ा बहुत टच होगा, चल अब मुंह धोलो, पानी आप खुला कर लो, जल धरा आपको, पानी से मुंह धोलो, ये लो दोस्तों, एक तरफ पानी और एक तरफ दूध, इसने दूध पिया और पानी भी, बाकी काफी परेशान है बेचारा, देखो इधर से इसका खाना भी कटा हुआ है, खैर इन लोगों ने इसकी जान बचाई, बहुत अच्छा किया, चलिए गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी लगती है इनको, देखिए दोस्तों बंद कर दिया, ये रहा इस सांप का दिल, देखिएगा किस कारण से ये डैमेज हो गया और इसका दिल बाहर निकल गया है, देखिए और फिर भी जिंदा है ये, अगर कीड़ी लग जाती इसमें दिक्कत हो जाती है, जब इसकी जीवन रक्षा करिए और इसके घर परिवार में सुख शांति दीजिए और हमेशा इस घर की याद भी रहे, इसका भी रहना और समर्पण करना, आई
देखिए दोस्तों, इस सांप का दिल बाहर निकला हुआ है कम से कम 8-10 दिन से, और जो बावली गांव आसम ने इसको रेस्क्यू किया, यहां पर वन विभाग की टीम सारी हमारे साथ है, ये देखिएगा आप। तो इन लोगों के यहां से सहयोग से हम इसका ट्रीटमेंट करके और रिलीज कर देंगे, ये देखिएगा। तो चलिए करते हैं इसको, चलो सुई लाओ, सुई कहाँ है वो, इसका दिल बाहर है बेचारा कई दिन से। मुझे दस्ताने यूज करने चाहिए थे। नागिन है जी, नागिन, नागिन इसे इस तरह से टक के लगा के और पट्टी बांध के इसके छोड़ देंगे तो बेचारी है कुछ समय के लिए। बावली से, बावली बड़ौत के पास। अभी तो देखा शांत पड़ा है बेचारे, से पता है कितना दर्द तुझे है। तो आप यो कितने दिनों से काम कर रहे जी? मुझे तो 1-1.5 साल हो गया जी। 1-1.5 साल में? हाँ जी। कौन कौन सा इसके बदले आपने? सारे कर दिए लगभग। सारे कर दिए? जितने हमारे यहाँ मिलते हैं। दोनों बढ़िया सेवा का काम कर रहे हैं आप। तो कोशिश तो यही है जी। इसे तो काट लिया। पानी काट लिया। इसे भी काट लिया। दोस्तों, इस सांप का रेस्क्यू हमने बावली गांव से किया है और इसको ट्रीटमेंट करके सही इस तरह से हम इसको यहाँ रिलीज कर रहे हैं, यहाँ अपने वातावरण में। ये जय बाबा। ओ भाई, वो जा लिया, वो जा लिया, वो जा लिया। ओ भाई, बहुत दूर लगाई ना।